नमस्कार दोस्तों, आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आ गया 2024 जनवरी। तो चलिए बात करते हैं हम मेष राशि के बारे में, एरीज के बारे में कि कैसा रहने वाला है आपका ये साल, और जानेंगे कि शुरुआत कैसी हो रही है जनवरी में, है ना। तो चलिए बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की, आपके जॉब बिजनेस की, आपकी स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कि प्लीज स्टूडेंट्स के बारे में जरूर कुछ देख लीजिए। ठीक है जी, स्टूडेंट्स के बारे में जानते हैं ऑब्स्टेकल्स क्या चल रहे हैं आपकी लाइफ में और अपकमिंग क्या आने वाला है। देखिए 2024 जनवरी में आपके लिए कुछ नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको जो चाहिए होता है ना, हर चीज़ बहुत जल्दी में चाहिए होती है। जल्दी का काम हमेशा खराब होता है, और जब ज़्यादा तेज़ी होती है ना तो गिरने का भी बहुत डर होता है और चोट भी लगती है ना। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। आराम से चलिए। बिजनेस की आपको करनी है कोई नई शुरुआत। अगर मैं बिजनेस की बात देखूं तो बिजनेस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान के सोच से परे होती है कई बारी, अगर आप कैलकुलेशन करके नहीं चलोगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हो, विदेश जाके कुछ नया बनाना चाहते हो, तो वो काम भी होगा, क्योंकि अब कुछ नई शुरुआत हो रही है। एक साइकिल थी आपकी जो अब ख़त्म हो गई, उस साइकिल को अब डेड एंड करके एक नई शुरुआत से चीज़ें शुरू होंगी। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग और कम से कम पाँच लोग, कोई ऐसे पाँच लोग हैं जो आपको अपनी टीम में रेडी करने पड़ेंगे। पाँच की तिकड़ी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। या फिर आपका जो नेम का टोटल है वो 5 अल्फाबेट्स हैं, कुछ ना कुछ 5 नंबर से रिलेटेड हैं, और वही आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ देने वाली है। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करी है और अब स्टूडेंट्स जानना चाह रहे हैं कि क्या हम विदेश जाके पढ़ाई करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ जी, अच्छा होगा। प्रॉब्लम क्या है कि आप चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं, जिद पकड़ लेते हैं कि यही चाहिए तो यही चाहिए। ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ऐसी होती है ना कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए या कहीं भी आपको एडमिशन चाहिए अपनी एजुकेशन के हिसाब से, जो आपको फ्यूचर में स्टडी करनी है, कई बार वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो अगर कहीं और चांस मिल रहा है तो प्लीज़ अवेल कर लीजिएगा, डिले मत कीजिएगा। अगर डिले करेंगे तो टाइम निकल जाएगा और एडमिशन फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर। बात करते हैं कि आपके फाइनेंसिस कैसे हैं। फाइनेंसिस बहुत अच्छे हैं। दान पुण्य करना शुरू कीजिए अपने घर में। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी वाइफ का खास ख्याल रखिए, क्योंकि अब कुछ ऐसा समय आपकी ज़िंदगी में आने वाला है कि आपके घर में हो सकता है कोई गुड न्यूज़ भी आ जाए, इट रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। और बात करते हैं कि अगर आप ओवरऑल सिनारियो में आपका देख रही हूँ तो आपकी हेल्थ थोड़ा इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि जितने भी लोग इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ को सोच सोच के आप बहुत परेशान हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया है और वो काला जादू आप पे इफ़ेक्ट कर गया है। अगर कहीं आपको इस चीज़ की थोड़ी भी भनक है कि ऐसा आपके साथ हुआ है, तो पहले तो इस इल्यूजन को क्लियर कीजिए। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ हो गया है और आप बीमार हैं और आपको लग रहा है कि आपको रिकवरी की ज़रूरत है, और आपका बनता बनता काम रुक गया, आपके फाइनेंस आता आता रुक गया, आपकी हेल्थ ख़राब होने की वजह से आपकी जो फ्यूचर में मीटिंग्स थी वो रुक गई, अगर कभी ऐसा कुछ हुआ है, या फिर आप कोई बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर की है, अगर आपके ऊपर कुछ ऐसा आपको लगता है कि आपकी हेल्थ अब डाउन होती जा रही है या ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, तो कुछ नहीं करना। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आपने लेनी है 11 लौंग। 11 लौंग में से 2 लौंग को तो आपने अपने सर के ऊपर से वार के, एक आगे और एक पीछे, अपने घर की छत से या कहीं भी जाके वो आप फेंक दीजिएगा। और जो 9 लौंग बचेगी, उस पुड़िया को आपने बनाकर अपनी जेब में रख लेना है, और कम से कम उस पुड़िया को आपने जहाँ भी जाएंगे उस पुड़िया को लेके जाना है, उसको खोल के नहीं देखना। कोशिश कीजिएगा जब आपको लगे कि आपकी बेटरमेंट हो गई है, अगर ये पूरा जनवरी कर सकते हैं, मतलब 4 शनिवार, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उस 4 शनिवार के बाद आप उस लौंग को कपूर के साथ जला दीजिएगा, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कहीं आप अटक रहे थे वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। ये ऑब्स्टेकल था आपकी लाइफ का। चलिए जानते हैं आपको गाइडेंस क्या मिल रही है। अचीवमेंट होने वाली है कुछ ना कुछ। आपका पहले भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, तेज़ी, बहुत तेज़ी पसंद है,
रुका नहीं जाता, कहीं ट्रैवल करना है, फटाफट भागना है, हर चीज़ जल्दी से जल्दी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, आप जाइए, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैं अभी भी आपको फिर बोल रही हूँ, जब घोड़े की स्पीड बहुत तेज़ होती है तो गिरने का डर रहता है, और जब घोड़ा गिरता है और उसके ऊपर अगर आप सवार हो, अगर आप गिर गए तो आपको शायद घोड़े से भी ज़्यादा चोट लगती है ना। इसलिए थोड़ी सा लगाम दे दीजिए अपने घोड़े को और अपने आप को। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पहले चार, जो हम जैसे घर बनाते हैं तो वी मेक फोर पिलर्स, है ना, पहले अपने चार पिलर्स को स्टैंड कर लीजिए, बीच में आप खड़े हुए। मैं फिर से बोलती हूँ पांच, कुछ ना कुछ पांच की तिकड़ी आ रही है। मे बी आपकी जो फाउंडेशन है, जो आप फर्म बना रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो कुछ ऐसे लोगों को अपने आसपास खड़ा करिए और आपको मिला के अगर पांच लोग बनते हैं तो उस पे काम कीजिए और देखिए आपके काम में कैसे तरक्की आने वाली है। जानते हैं चलिए कुछ और आपके बारे में। यही मैंने बोला, फिर से वही कार्ड आया, आपकी ना रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। रूट्स मतलब प्लानिंग की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि ये जिस चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप ऑलरेडी चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी पुरानी फैमिली का कुछ ना कुछ ऐसा चलता हुआ आ रहा होगा कि आप उनकी ही रूट्स को वापस ग्रो अप कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, और अगर खुद का काम शुरू किया है सो मेक श्योर कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके जो भी चीज़ें हैं और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि वो सब लीगलाइज्ड हो, सब कुछ प्रॉपरली असेंबल्ड हो विद फुल सिग्नेचर्स, एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनर, ताकि आपकी जो भी फाउंडेशन है उसकी रूट्स बहुत स्ट्रांग हो। तब आप लाइफ में बहुत जल्द आगे बढ़ पाएंगे और अचीव भी कर पाएंगे जो आपके टारगेट्स हैं। चलिए जी, सब कुछ हो गया, अब जानते हैं लव लाइफ के बारे में। जी उसके बिना तो लाइफ चल ही नहीं सकती। बस यही तो एक प्रॉब्लम है आपके साथ। आप सोचते हैं कि आपको मिल जाए सच्चा प्यार, है ना, फिर वही जल्दी पुरानी चीजों को छोड़ दी जाए, जो बीत गया उसको भूल जाइए, क्योंकि अगर नहीं भूलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। कहते हैं कि एक समय होता है हर चीज का। अब इंसान है जिसको आगे बढ़ना है, अब आपको खुद आगे बढ़ना है। अब आप किस चीज़ से भाग रहे हो, किस चीज़ से दूर भाग रहे हो, क्योंकि दो बारी आपके ऐसे कार्ड आए और फिर से ये चीज़ फिर से दिखा रही है कि आप किसी पास्ट रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान हुए हो और आज भी परेशान हो। आपको लगता है कि शायद अपना दिल दिमाग अगर काम में लगा लिया जाए तो आपका जो दिल दिमाग है वो काम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका यहाँ से मन हट जाएगा। देखो अगर ऐसा है तो ठीक है, आप अपने लिए कर रहे हो, बट फिर भी एक सलाह दूंगी कि आप अपनी पास्ट लाइफ को भूल जाइए, क्योंकि कुछ नया दिख रहा है, कुछ नया आ रहा है आपकी लाइफ में। 2024 में एक होने वाली है नई शुरुआत, आपको मिलेगा आपका नया प्यार और वो होगा सच्चा प्यार, ट्रू लव। हम सबको ये चाहिए। आप ना बहुत जल्दी अपने आप को डिपेंडेंट कर देते हैं दूसरों के ऊपर, आपको लगता है कि बस सब कुछ यही है। देखो इट्स अ गिव एंड टेक पॉलिसी हमारी लाइफ में, चाहे प्यार हो, चाहे काम हो, चाहे कुछ भी हो, आप जो देंगे, कर्मों का विधान है कि जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं जो आप दे रहे हैं वो आपको वापस मिले, तो पहले आप वो प्यार दे दीजिए, तभी आपको वो प्यार वापस मिलेगा। उसके अलावा फिर भी कहीं पे भी आपको मेरी जरूरत लगे तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेज फॉर द अपॉइंटमेंट, एंड अपॉइंटमेंट इज ऑल, पर्सनल रीडिंग्स आर नेवर फ्री, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, नो कॉल्स, ठीक है। मिलती हूँ जल्दी नई वीडियोस के साथ, नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, धन्यवाद।